नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का मौसम खाने पीने के लिहाज से बेहतर होता है। खाने के लिए फल और सब्जियों से लेकर कई फूड आइटम्स मौजूद होते हैं। सर्दियों में अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे सुपर फूड के बारे में जिसका सर्दियों में सेवन करना आपको सेहतमंद बनाएगा। हम बात कर रहे हैं देसी घी की। देसी घी को ब्रेन फूड भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। देसी घी में बने बेसन और गोंद के लड्डू में न केवल सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं, बल्कि इसका स्वाद भी शानदार होता है। खाद्य पदार्थों की तासीर तीन तरह की होती है, ठंडी, गर्म और सामान्य। देसी घी की तासीर गर्म होती है, जो कि सर्दियों में हमें ठंड से बचाती है। रोटी, दाल, खिचड़ी आदि में देसी घी डालकर खाना भी आपको पुष्ट बनाता है। देसी घी में विटामिन ए होता है, जो आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा होता है। ये आंखों के दबाव भी नियंत्रित करता है, साथ ही ये ग्लूकोमा के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। सर्दियों में कब्ज की समस्या आम होती है। यदि आपको भी कब्ज की शिकायत हो तो सोने से पहले 200 ml गर्म दूध में 2 चम्मच देसी घी मिलाकर पिए, बहुत लाभ होगा। देसी घी पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी काफी मददगार साबित होता है। वहीं सर्दियों के मौसम में ठंड लगने, सर्दी खांसी और कफ होने की समस्या आम होती है। ऐसे में एक आयुर्वेदिक उपाय है न्यासा। इस प्रक्रिया में देसी घी की कुछ बूंदें नाक में डाली जाती हैं। हालांकि इस बारे में आयुर्वेद के डॉक्टर या घर के बुजुर्गों की सलाह भी ली जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।